हेलो दोस्तों, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी अडेनियम प्लांट की केयर टिप्स। रेनी सीजन में हम अडेनियम को किस तरीके से रखें जिससे कि हमारे कॉडेक्स जो है वो भी ख़राब ना हो और प्लांट जो है हमारे मरे नहीं। उसके पहले आप देख सकते हैं ये अलामंडा है, इसमें अब ब्लूमिंग जो है स्टार्ट हो गई है और ग्लाडिया तो बहुत ही अच्छे से बूसी सा ब्लूम कर रहा है। और यहाँ पर जो है ये लैंटाना ब्लूम कर रहे हैं जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आज मेरे येलो लैंटाना में भी फ्लावरिंग हुई है तो वो भी आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये येलो लैंटाना है और जो बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहा है और अभी बहुत सारी बर्ड्स जो है पेंडिंग भी हैं, अभी आने वाली हैं बर्ड्स, तो बहुत लॉन्ग नहीं जाएंगे। ये ड्रॉप वेराइटी के ही थे और मैंने जो है इसको परचेज़ किया था और वो वाला जो है वो मैंने कटिंग से लगाया था, तो इनकी हाइट ज़्यादा नहीं जाएगी। रेनी सीजन में जो है इनको बहुत अच्छे से कटिंग से आप ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं, सीड्स से भी जर्मिनेट होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है जंगली वाले जो होते हैं उनमें सीड्स बन जाते हैं, इनमें जो है सीड्स नहीं बनते हैं और बहुत खूबसूरत फ्लावर होते हैं। तो मैं आती हूँ अपने मेन टॉपिक पर फ्रेंड्स। तो वैसे तो फ्रेंड्स मेरे पास अडेनियम कई सारे हैं लेकिन यही एक अडेनियम है जो ब्लूम कर रहा है और अभी इसकी फ़र्स्ट ब्लूमिंग ही है। ये समर्स की फ़र्स्ट ब्लूमिंग है, इसमें फ़र्स्ट टाइम ही जो है फ्लावर ब्लूम किए हैं और आप देख सकते हैं सिंगल पेटल ही हैं। मेरे पास में ग्राफ्टेड प्लांट भी हैं लेकिन अभी वो ब्लूम नहीं कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये ग्राफ्टेड प्लांट है लेकिन इनकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी हो रही है और ब्लूमिंग नहीं हो रही है, अभी बर्ड्स भी नहीं आई हैं, छोटे छोटे से प्लांट हैं और जैसे मैंने परचेज़ किए थे वैसे ही मैंने इनको रख दिया है और फुली धूप में रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे हेल्दी से प्लांट हैं और इनकी कॉडेक्स भी बहुत अच्छे हैं और ये कुछ जो है लिखा हुआ है मुझे कम समझ में आता है, जो लोग परचेज़ करते मतलब बेचते हैं उनको पता होता है कि इसका ये साइन का क्या मतलब है। तो आज मैं इसी की क्या टिप्स शेयर करूंगी रेनी सीजन में इनको किस तरीके से रखें। तो सबसे पहले जो है आपको अगर रेनी सीजन में जो है अडेनियम आपके बचा कर रखने उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप इसकी मिट्टी जो है बहुत ही वेलड्रन बनाएं, बहुत ही अच्छी मिट्टी, पानी बिल्कुल भी ठहरना नहीं चाहिए, पानी ऐसा मतलब मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि बस जितना मॉइस्चर मेंटेन करना है प्लांट को उतना ही मेंटेन करें, बाकी का जो है पानी जो है एक्स्ट्रा वाटर जो है बिल्कुल निकल जाए। रेनी सीजन में अगर पूरे दिन भी बारिश गिरती है तो ये जो है हार्डी प्लांट तो हैं ही तो उसको अच्छे से जो है सरवाइव कर जाएं। तो इसके लिए जो है आपको आधा भाग मिट्टी एक भाग सैंड, आपके पास में कोकोपीट हो तो, मैं कोकोपीट यूज़ नहीं करती क्योंकि कोकोपीट में ज़्यादा मॉइस्चर रहता है और मैंने जो है थोड़ा सा राइस हस की यूज़ किया है, बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा है राइस हस की और आप देख सकते हैं मिट्टी में सैंड की मात्रा ज़्यादा है और बोन मील और फंजीसाइड पाउडर मैंने इसी तरीके से इसका सॉइल मिक्स बनाया था और प्लांट आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे मेरे प्लांट की ग्रोथ है और इनमें ब्रांचेस भी देख सकते हैं और कॉडेक्स ये काफ़ी नीचे इधर तक लगा हुआ था, दूसरे पॉट में लगा हुआ था तो मैंने इसको इधर से लगा दिया है तो थोड़ा कॉडेक्स भी थोड़ा अच्छा दिखेगा और नेक्स्ट टाइम में मैं इनकी ये सब ब्रांचेस जो है क्लीन कर दूँगी और फंजीसाइड लगा दूँगी तो अब काफ़ी अच्छे से कॉडेक्स दिखाई देने लगेगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो है आप अगर फर्स्ट टाइम अडेनियम लगा रहे हैं तो मार्च अप्रैल में जो है अगर आपका अडेनियम की हाइट बड़ी हो गई है तो मार्च अप्रैल में आप जो है इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, प्रूनिंग से नया प्लांट बना सकते हैं। जैसे कि मेरे ये सब प्लांट हैं ये प्रूनिंग करके जो कटिंग से लगाए हुए प्लांट हैं तो इनमें भी ब्लूमिंग होगी, ऐसा नहीं है कटिंग से लगे हुए प्लांट में ब्लूमिंग नहीं होती है, उनमें भी ब्लूमिंग होती है। या आप चाहें तो कोई ग्राफ्टेड प्लांट लाकर मतलब कोई हाइब्रिड वाला जो है ड्रॉप वैरायटी के जो आते हैं ग्राफ्टेड प्लांट उनको लाकर आप उनकी कटिंग से जो है ग्राफ्ट कर सकते हैं नया प्लांट, ऐसी सिंगल पेटल वाले को मल्टीपल पेटल में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में जो है आप इनमें जो है फंजीसाइड का स्प्रे हमेशा करते रहें। मैंने अभी कुछ दिन पहले भी वीडियो बनाया था कि लीव्स जो है बहुत ज़्यादा कर्ली हो जाती हैं तो आपको जो है फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए जिससे कि इनकी जो है इनमें फंगल लगने के चांस हो जाते हैं तो फंजीसाइड जो है वेस्ट है और ये प्लांट अगर मरता है तो फंगल लगने से ही मरता है या ओवर वाटरिंग से मरता है। और जब कॉडेक्स आपका जो है लूज़ हो जाता है तो आप समझिए कि इसको वाटरिंग कम मिल रही है, फुल धूप में रखा है अगर इसको वाटरिंग नहीं करेंगे तो कॉडेक्स जो है एकदम लूज हो जाएगा, बहुत ही ढीला सा कॉडेक्स हो जाता है। तो आप इसमें जो है वाटरिंग जो है हमेशा
सावरिंग करते रहें, मैं सावरिंग करती हूँ और सावरिंग करने के बाद भी आप देखते हैं मॉइस्चर बना हुआ है। और शाम को फिर वाटरिंग करूँगी, इस टाइम नहीं करूँगी। तो जिनमें मॉइस्चर बना हुआ है उनमें अभी नहीं करूँगी, लेकिन इनमें जो है अभी सावरिंग करूँगी। अभी 6:30 हो रहे हैं सुबह के। इसी तरीके से केयर करनी है फ्रेंड्स। और फ्लावर जो है आप देख सकते हैं, फ्लावर जब फेड हो जाएं तो वैसे तो अपने आप ही गिर जाते हैं, लेकिन इधर से आप जो है इसकी स्टिक कट करते जाएं तो काफ़ी अच्छा प्लांट आपका रहेगा। और कटिंग करते जाएं हर साल तो प्लांट जो है अच्छा बुशी से बनेगा, नई ब्रांचेस निकलेंगी। जहाँ से आप कटिंग करते हैं वहाँ पर फंजीसाइड पाउडर लगा दें। और अगर आपके यहाँ थोड़ा शेडी प्लेस हो तो बारिश में जो है थोड़ा सा ऐसे शेडी प्लेस में रखें कि थोड़ी बारिश लगे और थोड़ी इसको बारिश ना लगे, इस तरीके से रखें। और कुछ विशेष केयर नहीं है, बारिश में भी इसको फंजीसाइड का स्प्रे करते रहें जिससे कि प्लांट आपका डैमेज ना हो और अच्छे से ग्रोथ करता रहे। तो मेन जो है अडेनियम के लिए मिट्टी ही मेन होती है। अगर ज़मीन पर लगे हुए हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पॉट में लगे हुए हैं तो मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो इसमें जो है कलर की बात करूँ तो कई सारे कलर्स मिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत रोज़ की तरह होते हैं और रोज़ से भी अच्छे अच्छे कलर होते हैं। तो आप इनको अभी भी जाकर नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं। और रिपोर्टिंग की तो बात अभी नहीं करूँगी, रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन सीडलिंग जो है हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हम लोग तो अभी भी सीडलिंग को रिपोर्ट कर सकते हैं और मैं करूँगी भी। मेरे पास में सीडलिंग रेडी है तो मैं करूँगी, भले ही फिर वो 10 में से 2 ही सीडलिंग मेरी रेडी हों, लेकिन मुझे रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर वो मेरे काफ़ी अच्छे सीडलिंग रेडी हो गई हैं, 6-6, 7-7 पत्तियाँ आ गई हैं, तो मुझे रिपोर्ट करना है। उसके लिए मैं मिट्टी बनाऊँगी तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।